मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार और जोहार। हम पुण्य शुक्रवार मनाने वाले हैं। मैं इसकी एक पृष्ठभूमि आपको बतलाता हूँ। हम मसीही भाई वर्ष भर में तीन मुख्य त्यौहार मनाते हैं। सर्वप्रथम हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त का जन्म, जिसे हम क्रिसमस के समय बहुत ही समारोह के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ, आनंद के साथ मनाते हैं। दूसरा बड़ा त्यौहार है हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त का दुख भोग और उनकी मृत्यु। हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त ने, हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए, ईश्वर के साथ उसका पुनः संबंध स्थापित करने के लिए, स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए और हमें ईश्वरीय जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। क्रूस पर बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता थी क्योंकि मनुष्य का पाप इतना भयंकर है कि उसने ईश्वर को दुख पहुंचाया। क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सदा उसके प्रेम में बने रहें। और जब कभी मनुष्य पाप करता है, एक तरह से उसके साथ अपना संबंध तोड़ देता है। और इसलिए ईश्वर ने अपने ही पुत्र को संसार में भेजा ताकि वह अपने को बलिदान चढ़ाए और मनुष्य जाति के पाप को नष्ट करे और फिर ईश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित करे। तो हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त ने शुक्रवार के दिन अपने जीवन के अंत में बहुत ही भयंकर दुख सहा। उसे बिना अपराध के दोषी ठहराया गया, उसे प्राणदंड की आज्ञा मिली और रोमियो के अनुसार उसे एक भारी क्रूस उठाकर कलवारी पहाड़ पर चढ़ना पड़ा, जहां पर उसे क्रूस पर ठोंक दिया गया। और इन सब में उन्हें बहुत ही शारीरिक पीड़ा हुई। इसके साथ साथ हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त को मानसिक पीड़ा थी क्योंकि सभी लोगों ने उसे त्याग दिया था, यहां तक कि उसके सागरदों ने भी उसे छोड़ दिया था। उसे अपनी माता को सोचकर भी बहुत पीड़ा थी, जिसे वे बहुत प्यार करते थे। और फिर उसे पीड़ाएं थी, भावनात्मक पीड़ाएं थी क्योंकि, और आध्यात्मिक पीड़ाएं थी क्योंकि वे जो बलिदान चढ़ा रहे थे, मुक्ति का बलिदान, ये बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि लोग प्रेम के मार्ग छोड़कर अधर्म के मार्ग पर जाएंगे, अपराध करेंगे, पाप करेंगे और इस तरह से वे ईश्वर के प्रेम को खो देंगे। फिर भी हमारे प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया, इसी की हम आज याद करते हैं। इसके साथ साथ हम याद करते हैं कि हमारे प्रभु येसु क्रूस पर जरूर मर गए, लेकिन यह अंत नहीं था। उनकी मृत्यु सब कुछ का अंत नहीं था। वे तीसरे दिन जी उठते हैं क्योंकि वे ईश्वर थे, उन्हें जीवन और मृत्यु का पूरा अधिकार था। उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ाया और मरने के बाद धरती पर से वे तीसरे दिन अपने ही शक्ति से जी उठते हैं। और यह उनका विजय पुनरुत्थान था, अर्थात उन्होंने मृत्यु पर, उन्होंने पाप पर विजय पाई। जब हम मृत्यु कहते हैं, शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु, अर्थात ऐसी मृत्यु जो मनुष्य को ईश्वर से अनंत काल के लिए अलग करती है, तो हमारे प्रभु ने उस पर विजय पाई और फिर उसने पाप का जो शिकंजा है उस पर विजय पाया। शैतान मनुष्य को पाप की ओर खींचता है, शैतान मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है, शैतान मनुष्य को घृणा की ओर ले जाता है, और हमारे प्रभु ने मनुष्य को ऐसी शक्ति दी अपने पुनरुत्थान से कि मनुष्य ईश्वर की शक्ति के द्वारा शैतान के हर कामों पर विजय प्राप्त कर सकता है। यही हमारे लिए पुनरुत्थान है और इसलिए हम बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ पुनरुत्थान मनाते हैं। धन्यवाद।